दोस्तों शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी जवान को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा बज़ बना हुआ है। फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में दोस्तों इसका एक टीजर रिलीज किया गया था जिसमें शाहरुख खान पट्टियां बांधे नजर आ रहे थे और जिस तरीके से गन पकड़े हुए वो दिखाई देते हैं वो बहुत ही ज्यादा मस्त था। लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इसका टीजर ही इतना मजेदार था। टीजर देखने के बाद फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अभी ट्रेलर रिलीज भी किया गया है। कुछ स्पेशल लोगों को यानी कि जो बॉलीवुड के स्पेशल लोग हैं उन लोगों को दिखाया गया है और ट्विटर पर थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाई गई थी जिसमें से उनका जो फीडबैक आया वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। उन्होंने बोला क्या बना दिया यार एटली, क्या बना दिया, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर जो है एटली है जो कि साउथ के डायरेक्टर है। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जवान के अंदर शाहरुख खान के साथ साथ नयनतारा और विजय सेतुपति जैसे दमदार एक्टर भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिली एंटरटेनमेंट के अंडर बन रही है। रेड चिली के ऑफिशियल अकाउंट से ही अभी एक अपडेट सामने आई है इस मूवी को लेकर जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों इंतजार कीजिए क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर आने वाला है। आप लोगों ने देख ही लिया क्या उन्होंने दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा शाहरुख खान ने पठान से पहले दो मूवियों में कैमियो करा था जिसमें से एक मूवी थी ब्रह्मास्त्र जिसमें वो मोहन भार्गव का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र लोगों को चाहे अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो लेकिन शाहरुख खान का जो करेक्टर सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था और लोग चाहते हैं उस पर एक स्पिन ऑफ मूवी बने। ब्रह्मास्त्र में कैमियो से पहले शाहरुख खान ने रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट जो कि आर माधवन की मूवी थी उस मूवी में कैमियो किया था और उसको भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। दोस्तों आपको तो पता ही है शाहरुख खान पठान से पहले कितनी ज्यादा फ्लॉप फिल्में देते हुए आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया और उसके बाद उन्होंने पठान रिलीज की और पठान ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाई है उसके बाद तो किंग खान की दमदार वापसी हो गई है और अब वो अपनी जवान में दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म डंकी में भी बहुत जल्दी नजर आने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा है कि डंकी इस साल रिलीज होगी, मुझको लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक वो पहुंचेगी। हालांकि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है वो इसी साल की गई है। बाकी दोस्तों इस मूवी की जो ऑफिशियल रिलीज डेट रखी गई है वो क्रिसमस के आसपास की रखी गई है। दोस्तों बात करें जवान की ट्रेलर की तो ये ट्रेलर लगभग 2 मिनट 15 सेकंड का होने वाला है और इसको यूएस सर्टिफिकेट भी मिल गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनकी नहीं आई है कि कब आएगा इसका ट्रेलर। फिलहाल दोस्तों जल्दी से इसका अनाउंसमेंट कर दें और जिस तरीके से ट्विटर पे हम लोग देख ही रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने इसका ट्रेलर देखा है स्पेशल स्क्रीनिंग में उनका जो फीडबैक है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए और इस मूवी के ट्रेलर के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मी फाइल्स देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए।